सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज आए हैं कोलकाता में, जहां सोदपुर इलाके में, जहां पर एक फार्म विजिट करने आए हैं। जिस फार्म में मैं विजिट करने वाला हूँ, बहुत कमाल के डॉग है जो की लार्ज डॉग ब्रीड में है, बुल मैस्टिक। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि बहुत बड़े ब्रीड होते हैं। इसके आगे ही मैंने एक फार्म विजिट किया था, ये मेरा सेकंड फार्म है यूट्यूब चैनल में, तो काफ़ी अच्छा फार्म है। यहाँ पर मैंने देखा है कुछ पपीज भी है, 7 की 8 पपीज है, उसके साथ 5 फीमेल है, 2 मेल है, जो कि काफ़ी शानदार क्वालिटी में है, बहुत अच्छे क्वालिटी में, डार्क कलर में, जो कि बहुत बुल मैस्टिक या जो बड़े ब्रीड रखना पसंद करते हैं उन्हें उस कलर का पसंद आता है। तो यहाँ पर जो फार्म के ओनर है वो एक मैम है और एक सर है, जो कि इस फार्म को मेंटेन करते हैं। कोई भी फार्म बॉय नहीं है, ये खुद से मेंटेन करते हैं, खुद से अपने बच्चों की तरह इन्हें पालते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं, जो कि हर एक पॉसिबिलिटी जो डॉग को चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। आपको अभी मिलाते हैं सर से और बात करते हैं कि कैसे वो डॉग को रखते हैं, कैसे वो डॉग को क्या ट्रीट करते हैं, कैसे खाना देते हैं उन्हें, और कैसे वो डॉग को क्या क्या फीड करवाते हैं, सब ए टू जेड इस डॉग के वीडियो में, इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आपको डॉग से ही मिलाते हैं कि क्या जाइंट डॉग ब्रीड है, आपको चलते हैं सर से मिलते हैं डॉग ओनर से। सर, आपका नाम और परिचय थोड़ा बताइएगा व्यूअर्स को। मेरा नाम है अमिताभ दत्त, तो हमें देबू वगैरह के बुलाते हैं, यहाँ पर सभी देबू नाम से ही जानते हैं। तो सर, यहाँ पर कोई भी विजिटर विजिट करना चाहे या कोई पपीज लेना चाहे तो क्या एड्रेस होगा, यहाँ पर कैसे आप आना आ सकते हैं व्यूअर्स? जैसे कि आपने पहले ही बताया था, ये कलकत्ता का सोदपुर एरिया है, यहाँ पे कोई भी आए तो सोदपुर में आके हमसे फोन पे कोई हावड़ा लाइन से आना चाहे, हावड़ा लाइन से आएगा या हावड़ा लाइन से आएगा तो सियालदा होके यहाँ पर सोदपुर के स्टेशन है, वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं, यहाँ पर अगर हमें फोन करते हैं तो हम खुद आके लेके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सर आपके पास कौन कौन से ब्रीड है तो व्यूअर्स को बताइएगा, और आप कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, मतलब ये डॉग रखने का कितने साल के एक्सपीरियंस है, आप डॉग कितने साल से रख रहे हैं? मेरे पास ये बुल मैस्टिक था। सर, ये कितने साल का एक्सपीरियंस है? 4-5 साल से कर रहे हैं। तो आप ब्रीडिंग भी करवाते हैं? हाँ, ब्रीडिंग देखिए, मेरे पास 2 डॉग है, उसको बाहर भी को जाके बोलता है मीटिंग के लिए आते हैं, तो ब्रीडिंग करते हैं, अपने घर के जो फीमेल है उनको ब्रीडिंग करते हैं। तो जैसे कि व्यूअर जानते हैं या आप भी सबको पता है कि एक लार्ज साइज का डॉग ब्रीड है, तो आप इसको एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा मेंटेनेंस आप कैसे करते हैं? इसको एक्स्ट्रा फैन देना या आप कुछ ऐसा फूड देना या सप्लीमेंट देना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा व्यूअर। जब घर में एक बच्चा होता है, उस बच्चे की तरह पालना पड़ता है ये डॉग को, जैसे हम बच्चे को पालते हैं अपना फूड उनको देते हैं, सर ने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, यदि आपका डॉग एग्रेसिव है इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है, तब आपका डॉग एग्रेसिव होता है। सर, आपको ये फूड क्या खिलाते हैं? कि मैंने कि ये विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, इंटरव्यू लेने से पहले मैंने विजिट किया है, तो साइज काफ़ी आपका जैसे बुल मैस्टिक होता है ओरिजिनली काफ़ी बड़े साइज का होता है, रिंकल होता है, हेड बड़ा होता है, तो आप इसको कैसे मेंटेन करते हो, मतलब क्या फूड आप प्रोवाइड करवाते हो, क्या सप्लीमेंट आप देते हो एक्स्ट्रा में, कैल्शियम मल्टीविटामिन, तो उसके बारे में थोड़ा रूबरू कराइएगा। ठीक है, थोड़ा ये जो लार्ज ब्रीड का है खाना भी थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ता है, सभी ब्रीडर बोलते हैं कि डॉग को 2 टाइम खाना खिलाना चाहिए, मैं तो 3 टाइम देता हूँ, सुबह में ड्राई फ्रूट देता हूँ, सुबह में फेडिंगी का, दोपहर को दही के साथ चावल देता हूँ, रात को अगर रोटी हो तो रोटी के साथ, नहीं तो राइस हो तो राइस के साथ, चावल के साथ चिकन प्रोवाइड करता हूँ। इसके ऊपर जो आता है मल्टीविटामिन, क्या मल्टीविटामिन यूज करते हैं? बाजार में कई भी मल्टीविटामिन मिलता है, लेकिन मैं वो न्यूट्रिश का जो मल्टीविटामिन तो अब आपको सर के डॉग दिखाते हैं कि कौन कौन सा डॉग है। फर्स्ट मैं आपको मेल दिखाता हूँ, जो कि
इस कैनल का एक आन बान शान है जो कि उनके उनके कॉपीज भी हुआ, कॉपीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर आप कैनल क्या नाम है या गेस्ट में रजिस्टर है ये आप बताइए, क्या नाम है कैनल का आपका? हैप्पी डॉग कैनल, काफी हैप्पी डॉग हाउस मेरे वाइफ ने नाम रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला सर, सर तो काम पे चले जाते हैं बट उनकी जो मिसेस है, उनकी जो आपकी वाइफ है वो इस कैनल को संभालती है, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, कोई भी कैनल बॉय नहीं है, इसका मतलब खुद से ही सब कुछ करते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट अब डॉग को दिखाते हैं। तो अब मैं बैक कैमरा आ जाऊंगा, उसके बाद सर अपना जो डॉग्स है, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें। अब आपको सर के डॉग दिखाते हैं, जो पहला मेल है जो स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है और इससे काफी बच्चे भी हो चुके हैं। सर इसका क्या नाम है? हमने रखा है शेरू। तो इसका नाम है शेरू, जो कि शेर की तरह भी है। अब इसका साइज और इसका हेड साइज आप देख सकते हैं, काफी कमाल का है, जैसे कि मेल होना चाहिए, एक बुल मैस्टिफ डॉग होना चाहिए उस प्रकार का है। सर इस ब्रीड के बारे में बताइए कुछ, या इस डॉग के बारे में आप कुछ बताइएगा। ये बुल मैस्टिफ का एक मेल है, बैंगलोर से एक्सपोर्ट किया, तो ये अभी 18 महीने का है, 3-4-5 मेटिंग हुआ इसका, लेकिन 11 बच्चे हुए इसका, घर पे भी है, 7 पत्ती है इसका। तो ये ऑलरेडी स्टड प्रूफ है, इसका पपीज हो चुके हैं, घर में भी पपीज अवेलेबल है, बाहर में स्टड सर्विस के लिए जाता है ये डॉग, ठीक है। तो सर इसका हेल्थ के लिए आप इसको एटलीस्ट ये कितना ग्राम फूड खाता है एक समय में, आपको इसका हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप क्या? सुबह मैं 300-350 देता हूँ, दोपहर को 400 ग्राम दही, दोपहर को 400 ग्राम दही देता हूँ, और रात को 400-450 ग्राम मीट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसा डॉग आप यदि लेना चाहते हैं तो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट या मेंटेनेंस आप देख सकते हो, ऐसा आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा इस डॉग को। काफी शानदार, मतलब आई कैचिंग डॉग है, मतलब आप इसे यदि देखना चाहते हो या देख रहे हो तो आप देखते ही रह जाओगे, इतना प्यारा डॉग है, इतने प्यारे रिंकल्स है और बहुत शानदार डॉग है और बहुत टेम्परमेंट बहुत कूल है। जैसे कि मैं इसके पूरा एकदम सामने में भी हूँ तो ये मुझे कोई बाइटिंग टेंडेंसी या कुछ गुस्सा या कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, बहुत शानदार क्वालिटी में। अभी से काफ़ी गर्म लग रही है क्योंकि अभी आज का वेदर काफ़ी गर्म है, हॉट टेम्परेचर। अब मैं इसके पास ला के भी इसको दिखा दे रहा हूँ कितना टेम्परेचर इसका अच्छा है, टेम्परमेंट इसका काफ़ी अच्छा है। अब आपको सर के दूसरे फीमेल दिखाता हूँ, दूसरे डॉग। सर इस डॉग का क्या नाम है, फीमेल का क्या नाम है? क्या नाम मैंने रखा है? कैंडी। कैंडी, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा कैंडी की तरह है। इसी डॉग का पपीज अवेलेबल है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि पपीज कितने शानदार क्वालिटी के साथ हुए हैं, वो जो मेल स्टड और ये फीमेल कैंडी। सर इसका क्या एज है अभी फिलहाल? 2 साल। 2 साल का आसपास आप देख सकते हो, बहुत शानदार बहुत कूल टेम्परामेंट की फीमेल लग रही है मुझे देखने से, अभी तक तो पूरा कूल टेम्परामेंट की फीमेल लग रही है। आप हाइट देख सकते हो, साइज देख सकते हो, काफी शानदार है, साइज भी लेंथ भी बहुत अच्छा है और इसका लीटर साइज भी काफी अच्छा। आपने फर्स्ट लीटर लिया इसका ना? इसका अभी तक फर्स्ट लीटर लिया गया है। और अभी तक कितने पपीज हुए सर इसके? 7 पपीज हुए हैं, जो कि काफी अच्छे क्वालिटी में है, फुल फादर मदर दोनों पे ही गए हुए हैं, क्वालिटी आपके सामने है। तो सर आप मेल फीमेल आप दोनों को एक ही डाइट देते हैं कि कुछ अमाउंट आप इंक्रीज करते हैं मेल के लिए या फीमेल के लिए? फीमेल के लिए थोड़ा कम देना पड़ता है। तो सर आपने इसके पपीज हुए थे तो इसको आप कैसे मेंटेन किए, मतलब इसको पपीज देने के बाद जो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा वो खराब हो जाता है या पपी वीक हो जाती है, तो आप इसको किस कैसे रिकवरी किए? देखिए पपी देने के बाद डॉक्टर से चेकअप करवाया मैंने, डॉक्टर ने जो भी सजेस्ट किया, जो भी मेडिसिन दिया, मल्टीविटामिन दिया, ऐसे ही चल रहा है। मल्टीविटामिन जो देते हैं हम वही देते हैं। तो फीमेल काफी शानदार में है, फुल ब्लैक मास के साथ है, जैसा कलर होना चाहिए बुल मैस्टिफ का वो, इसे कौन सा कलर बोलते सर? जैसे कि वो रिच कलर में था मेल, रेडिश ब्लैक।
रेडीज ब्लैक आप कलर में बोल सकते हो, चेस्ट में ब्लैक कलर है, फीमेल काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है। अब आपको दिखाते हैं दूसरे फीमेल की तरफ जाते हैं, ये फीमेल को अब रख देते हैं और दूसरे फीमेल की तरफ जाते हैं सर के, क्योंकि सर के पास काफ़ी डॉग है तो एक एक करके आपको हर एक डॉग दिखाऊंगा मैं। आपको दिखाते हैं सर का थर्ड डॉग जो कि फीमेल है। सर इसका क्या नाम है सर? इसका नाम मैंने रखा है सैंडी। सैंडी आप देख सकते हैं सैंड के कलर का भी है, एकदम येलो इस कलर में आता है और काफ़ी कूल टेम्परमेंट में है सर। सर जितने डॉग मैंने आपको दिखाया सर को, सर का वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है और बहुत प्यार से सर ने रखा है। आप देख सकते हो बहुत प्यार है, जैसे कि अभी हम अभी जो विजिटर है न्यू है डॉग के लिए, बट अभी डॉग मुझे कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, कुछ भी बाइटिंग का टेंडेंसी नहीं दिखा रहा है। आप कुछ व्यूवर्स को ये कैसे आपने मतलब कैसा स्पेशल है या क्या है आपके बारे में? इस बहुत प्यारा प्यारा है, बहुत जैसे कि सर ने बताया ये बहुत प्यारा डॉग है, बहुत अच्छा डॉग है। आप क्वालिटी आप देख सकते हैं सर, इससे आपने कोई लीटर लिया है? हाँ, एक लीटर हुआ था। तो कितने लीटर में कितने पपीज हुए थे इसके? 11। 11 पपी, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि क्या लीटर साइज है इस डॉग का। तो वो सब सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मेल जो आपने यूज किया था, जो स्टड मेल है, वही आपने वही इसके लिए भी यूज हुआ था? हाँ। वही फादर था। तो क्वालिटी अब आपके सामने है, आपके पास है। यदि सर आपसे कोई पपीज लेना चाहे तो आपके कितना एग्जैक्ट कितना आपका प्राइस होता है एक पपीज के लिए, कि लीटर के हिसाब से आप प्राइस डिसाइड करते हैं? देखिए मैं फीमेल का 20,000 देता हूँ और मेल का 25,000। तो फीमेल का जो प्राइस होता है वो 20,000 और 25,000 जो होता है प्राइस वो मेल का प्राइस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिटी में, क्वालिटी और लेंथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है फीमेल के लिए। यदि आप लीटर लेना चाहते हैं या लीटर आप ले रहे हो तो जो लेंथ होता है फीमेल का वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि सर का जितना फीमेल मैंने दिखाया है बहुत अच्छे लेंथ के साथ है, बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ है। जैसा खुद फीमेल होगी या मेल होगी वैसा हूबहू उस वैसा गुण बच्चों में आने वाला है। यदि फीमेल टेम्परामेंट उनका हाई होगा, बाइटिंग टेंडेंसी होगा, तो बच्चों में भी वैसा बाइटिंग टेंडेंसी आने वाला है। अब आपको दिखाते हैं दूसरे डॉग सर का, दूसरे डॉग दिखाते हैं आपको, दूसरा फीमेल आपको दिखाता हूँ। सर इसका क्या नाम है सर? इसका नाम मैंने रखा है बेली। बेली तो काफ़ी क्यूट फीमेल है और इसका रिंकल भी काफ़ी अच्छा है, या आप बोल सकते हो काफ़ी रिंकल वाले डॉग है। तो सर ये शायद आपकी पहली फीमेल है, मतलब बहुत ये आपकी मतलब इस डॉग इस कैनल की पहली फीमेल है जो कि मतलब सीनियर सिटीजन आप बोल सकते हो। सर मैं एज क्या है सर इनका? तीन साल हुआ है। 3 साल के प्लस एज है इनका। और कितने लीटर अभी तक इस डॉग से आपने लिया है? इसका मैंने 2 लीटर दिया है। 2 लीटर लिया। तो पहले लीटर में कितने डॉग कितने पपीज हुए थे? पहले लीटर में 10 आया था, सेकेंड लीटर में 11। तो मतलब सर का जो लीटर साइज है वो काफी शानदार है। तो सर से पूछते हैं इसका क्या फॉर्मूला है या क्या आप क्या डॉग जैसा होगा, डॉग का रिजल्ट जितना अच्छा होगा तो लीटर उतना बड़ा आएगा ना। तो आप समझ सकते हो सर का जो डॉग है काफी शानदार है, काफी अच्छे डॉग है और आप लीटर साइज देख सकते हो। जितने फीमेल्स आपको दिखा रहा हूँ सब लेंथ में काफी साइज में बड़े हैं, काफी अच्छे हैं। आप इस देख सकते हो 3 ईयर की फीमेल काफी अच्छी कंडीशन में है। थोड़ा अभी कोलकाता में हॉट वेदर है, इस वजह से फीमेल अभी काफी हाँप रही है और ये गर्मी काफी लग रहा है फीमेल को। जब तक कूल टेम्परमेंट आएगा या अच्छा वेदर आएगा तो फीमेल भी अपना अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी भी और भी बेटर होगा या पपीज लेने के लिए होगा। तो सर आप क्या इस वेदर में भी आप पपी लेते हैं, मतलब ये गर्मी हो या सर्दी, मेरे सभी डॉग अंदर एसी में ही रहते। तो आप एसी देख सकते हो सर का, ठीक है, फुल एसी प्रोवाइड किया जाता है। तो एसी आप अपने डॉग के लिए कितने कितने घंटे तक चलाते हो, या सुबह चलाते हो या ऑल टाइम एसी चलता है? सुबह से शाम तक, जो कि नेसेसरी होता है एक डॉग के लिए एसी चलाना। तो एसी में आता है डॉग, इसलिए अभी थोड़ा गर्मी में आया है तो इसलिए ज्यादा हाँप रहा है, ठीक है। तो सर अभी ये 2 लीटर ले चुका है, 2 लीटर इसका हो चुका ऑलरेडी। फादर कौन सा मेल आपने यूज किया था? अपने घर का ही मेल है। तो जो मेल आपने यूज किया था, मेल का आप क्वालिटी और उसका रिजल्ट आप समझ सकते हो, 11-10 पपी एवरेज है।
तो जल्द से जल्दी आपके फीमेल है तो आप मेल सर से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर आपको सर को दिया जाएगा। सर अपना कांटेक्ट नंबर बताइएगा एक बार। 8910353649। तो सर का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप कांटेक्ट करें। यदि आप मेल सर्विस या स्टड सर्विस लेना चाहते हैं उसके लिए भी कॉल करें। यदि आपको एक प्यारे क्वालिटी वाले पपीस चाहिए अपने घर के लिए, न्यू फैमिली मेंबर लाना चाहते हैं, एक लार्ज साइज का डॉग आपको पसंद है, तो आप सर के कॉन्टैक्ट करके एक अच्छा पपी अपने लिए बुक करवा सकते हैं, या पपीज अवेलेबल रहेगा तो आप डायरेक्ट बाइक करके अपने सर के घर पे ले जा सकते हैं। अब आपको दूसरे डॉग की तरफ ले जाते हैं, इस डॉग को अभी रखते हैं।